हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल किरात ब्लॉग। आशा करते हैं ये ब्लॉग आपको बहुत ज्यादा ही पसंद आएंगे। आज फर्स्ट टाइम मेरी दीदी बनाई है घर पर पानी पूरी, और आपको टेस्ट करके जरूर बताते हैं। ये रहा पानी पूरी और ये रहा मेरे दीदी के लिए पानी। अब टेस्ट कर देखते हैं मेरी दीदी कैसे पानी पूरी बनाए। पानी पूरी तो बहुत ज्यादा ही टेस्टी और बहुत ज्यादा ही यम्मी सा है। आपको इस रेसिपी चाहिए तो प्लीज ये वीडियो को फुल देखिएगा। थैंक यू। सबसे पहले हम लोग इसमें आलू ऐड कर देते हैं। ये रहा हम लोग आलू, जिसको हम लोग दो भाग में काट चुके हैं। और इसमें सबसे पहले ये देखिए, ये हो चुका आलू, इसको हम पैसे को रख दिए। इसमें सबसे पहले हम लोग ऐड करने वाले हैं पानी, और पानी से इसको अच्छी तरह से ही धोएंगे, क्योंकि आलू होता है मिट्टी का नीचे और बहुत ज़्यादा ही मिट्टी लग जाता है आलू में। इसके वजह से मिट्टी ना लगे, इसलिए हम लोग इसको आलू को अच्छी तरह से धो लेते हैं। ये रहा हम लोग का धोता कर रेडी हो गया आलू। अब इसको हम लोग पानी के साथ ये इसको बॉईल करेंगे। ये रहा प्रेशर कुकर में इसको हम अच्छी तरह से ही बॉईल करेंगे। ये रहा बस, इसको हम लोग गैस को हम लोग अच्छी तरह से, सबसे पहले गैस में हम लोग अच्छी तरह से पहले गैस को जला लेते हैं। ये रहा हम लोग गैस को जला लिए हैं, और देखिए ये इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये रहा पानी पूरी, हम लोग रेडीमेड पानी पूरी लेके आए हुए हैं। और ये देखिए, ये सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इमली का चटनी। ये रहा इमली, हम लोग पहले इमली का चटनी बनाएंगे। इसके वजह से इमली लेके आए सबसे पहले इसमें ऐड करने वाले हैं काले नमक, और इसके बाद इस ऐड करने वाले हैं चाट मसाला। फिर ये इसमें ये रहा, ये हमको पानी पूरी का मसाला फ्री मिला, और ये रहा रेडीमेड पानी पूरी। ये हम लोग सबसे पहले अब इसको हम लोग इमली का पानी को अच्छी तरह से बनाएंगे। यह रहा इमली का पानी को हम लोग अच्छी तरह से, इसको पानी को हम लोग अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर से ही मिक्स हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग ऐड करने वाले हैं, ये देखिए हम लोग इसमें सबसे पहले ही ऐड करेंगे ये नमक, ये है बीट नमक, हम लोग इसको ऐड कर चुके हैं बीट नमक को। फिर इसमें हम लोग थोड़े से और कुछ ऐड करने ही वाले हैं। पहले नमक को अच्छी तरह से घोल लेते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से। फिर जो पानी पूरी के साथ जो मसाला मिले थे उसको हम लोग इसमें ऐड करने वाले, ये रहा उस मसाला को हम लोग ऐड कर चुके हैं। ये हो चुका है ऐड, और इसको भी अच्छी तरह से ही मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो चुका है, अब इसके बाद और भी कुछ ऐड करने वाले हैं। अब फिर इसमें ऐड करने वाले ये रहा चाट मसाला, ये थोड़े से ही ऐड करेंगे, क्योंकि ये थोड़े से ही ऐड करना ही चाहिए। ये रहा इसमें चाट मसाला हम लोग ऐड कर चुके हैं। अब इसको हम लोग अच्छी तरह से ही घोलेंगे, और इसको पूरा का पूरा ही मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद फिर ऐड करने वाले हैं नींबू, इसके गोल गोल पीस करके और पतले पतले पीस करेंगे, जिसमें खाने में बहुत सुंदर ही स्वाद आए और अच्छा भी लगे। ये देखिए ये गोल गोल पीस हम लोग ऐड कर लेते हैं इसमें नींबू का, जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये हो चुका है नींबू ऐड। और ये देखिए बहुत सुंदर से ही इसका ये है। ये सारा का सारा सामान हम लोग का ऐड हो चुका है, और अच्छी तरह से घोल कर ये हम लोग का हो चुका है पानी रेडी। ये पानी पूरी का पानी हम लोग का हो चुका है रेडी। अब इसमें हम लोग प्याज और मिर्चा हम लोग काट लिए। ये रहा बॉयल आलू, अब इसको हम लोग अच्छी तरह से ही इसको ये बनाएंगे। ये हम लोग ऐड कर चुके हैं। इसमें फिर हम लोग ऐड करने वाले हैं बोलते हैं चना, उबला हुआ चना हम लोग इसमें ऐड कर चुके हैं। ये हम लोग ऐड कर चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें फिर हम लोग चाट मसाला हम लोग ऐड कर देंगे। ये रहा चाट मसाला, इसमें हम लोग ऐड कर दिए है। अब ये है बनकर रेडी, इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर देंगे। ये है पूरे का पूरे रेडी हो चुका है। अब इसमें और थोड़े से नमक पड़ने वाले है। ये रहा थोड़े से नमक और पड़े, और ये हो गया हम लोग का पानी पूरी का आलू रेडी। फिर इसको हम लोग अच्छी तरह से ही मिक्स कर लेंगे। ये रहा इससे हम लोग मिक्स कर लेते हैं। ये रहा इससे हम लोग मिक्स करना शुरू कर दिए। ये हो चुका है मिक्स,
जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये हो चुका है मिक्स और बहुत सुंदर सा और बहुत ज़्यादा ही प्यारा ही लग रहा है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। ये हम लोग फिर से गैस को ऑन कर दिए हैं। अब इसमें हम लोग सबसे पहले ऑयल को ऐड करने वाले हैं। ये रहा हम लोग ऑयल इसमें ऐड कर रहे हैं। ये रहा, ये हम लोग ऑयल को ऐड कर चुके हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये ऑयल हम लोग का ऐड हो चुका है। अब थोड़े से और ऑयल ले लेते हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग थोड़े से ही पानी पूरी का मतलब जो पुचका बोलता है वही मतलब पूरी उसी को हम लोग अच्छी तरह से ही भाजेंगे। ये देखिए बहुत सुंदर सा ही अच्छी तरह से ये कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े हो रहे हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं इतना बड़ा बड़ा हो चुका है। अब इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ये हो गया है पक्कर हो गया है रेडी, जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये और ये देखिए और हम लोग 4-5 पीस लेके और ज़्यादा ही इसमें जैसे कि आप दोबारा हम करके दिखा रही है। ये देखिए कितना ही सुंदर सा सिर्फ थोड़े से मिनट में ही ये हो चुका है रेडी और ये हो गया है बड़े बड़े पानी पूरी। ये इसमें का ये हो चुका है, ये हो चुका है और इसमें का ये हम लोग सारा सारा पूरी बाहर निकाल दे रहे हैं। ये रहा हम लोग का पूरी और ये रहा पानी।